Praise the Lord. Thank you so much once again. खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस का ट्रायन गॉड का गॉड हेड का शुक्रगुजार हूं उसके पाक बुलावे के लिए, उस विजडम के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए, ग्रेस के लिए, उस राइचियसनेस, उस हीलिंग डिलीवरेंस के लिए जो खुदा ने हमें देकर, मुझे देकर अपना बनाया है और प्रिविलेज दिया कि मैं उसका खादिम ठहरूं, उसके भेदों का मुख्तार ठहरूं। खुदा का शुक्र हो पास्टर जुनेद के लिए, उनकी फैमिली, उनकी कॉल और उनके लाइफ के ऊपर जो ग्रेस है और अनॉइंटिंग। खुदा का शुक्र हो मिजाया गॉस्पल समीज के लिए। खुदा का शुक्र हो इस कलीसिया के तमाम व्यूवर्स के लिए, तमाम पार्टनर्स के लिए, तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए जो स्पिरिचुअल फैमिली है, लीडर्स के लिए, पाइनियर्स के लिए, डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स के लिए और वॉलंटियर्स के लिए और वेल विशर्स के लिए। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो उसके लिखे हुए कलाम के लिए और कहे हुए कलाम के पाक रूप के लिए जो माहिर उस्ताद, खुदा उनकी तारीफ हो। मैं पास्टर जुनेद का शुक्रिया अदा करता हुआ कलाम की तरफ बढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको इस सिनेरियो के रिगार्डिंग जिसमें से वर्ल्ड गुजर रही है, आपको कलाम में से इंफॉर्मेशन दूँ, कलाम में से अपडेट करूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ किस तरफ को जाएगी। इफ़ यू गेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना सिर्फ आपका टाइम बल्कि आपकी डेस्टिनी बर्बाद हो सकती है। राइट इन्फॉर्मेशन का आप तक पहुंचना, मिलना आपको, वो आपकी डेस्टिनी को बनाता है। तो इसलिए अगर आपको बहुत कलाम आता है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बट वेन यू लिसन तो आप डिसाइपलशिप की स्पिरिट में सुनते हैं। जब मैं भी सुनता हूँ तो फिर मैं, चाहे मुझसे छोटा बात कर रहा हो, चाहे मुझसे बड़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक कॉलेज में अकाउंट्स ऑफिसर था। वहाँ पर एक पीएन था, ऑफिस मैन था, ऑफिस बॉय जिसको बोलते हैं, लेकिन वो उम्र का था थोड़ा 40-45 साल, और वो कह लें दूसरे लफ्जों में कि जैसे ख्वाजा सरा होते हैं वैसा। और यू वॉन्ट बिलीव के गालबन 4 घंटे में उसके सामने बैठकर सुनता रहा। और खुदा उन दिनों उस शख्स के वसीले से, क्रिश्चियन था वो, उस शख्स के वसीले से मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे बात करता रहा और मेरे आंसू बंद नहीं होते थे। कॉलेज की प्रेमिसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे आंसू रुकते नहीं। और फिर मैंने उसे ब्लेस भी किया। मेरी पॉकेट में उस वक्त गालबन मुझे याद है 400 रुपीज थे, ये 2009 की बात हो, 8 या 9 की बात है, 400 रुपीज थे और मैंने उसको ब्लेस किया। ही वॉज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ गॉड, ही वॉज नॉट अ पास्टर, ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ गॉड, बट गॉड चोज टू स्पीक थ्रू हिम। खुदा ने वो शख्स, वो बर्तन, वो वैसल मुझसे बात करने के लिए मुकर्रर किया। तो कलाम में मैं मैच्योर था, कलाम में मैं सीनियर था, अनॉइंटिंग में मैं स्ट्रॉन्ग था, ग्रेस में मैं ज्यादा था, बट वट एवर, लेकिन मैंने सरेंडर किया जब खुदा बोल रहा। तो चाहे हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, बट आप सुनिएगा कि खुदा क्या फरमा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट पर बोलना चाहता हूं आज। क्राइसिस वर्ल्ड के लिए इस टाइम, जो दुनियादार लोग हैं, दे कॉल दिस सीजन द क्राइसिस सीजन। ये इवेंट्स जो ऊपर नीचे जमीन पर हो रहे हैं, इनको क्राइसिस का नाम दिया जाता है, वर्ल्ड लैंग्वेज या मार्केट लैंग्वेज या पॉलिटिकल लैंग्वेज में, मगर किंगडम ऑफ गॉड में देर इज नो वर्ड लाइक क्राइसिस। सो दीज आर इवेंट्स। मैं कलाम की लैंग्वेज से किंगडम ऑफ गॉड में मैं इनको जो टाइटल देता हूं वो है दीज आर इवेंट्स। ये वो वाक्यात हैं जिनको खुदा हमारी ग्रेटनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए भेज देता है, अलाउ कर देता। फिर सुनिए, दुनिया के लिए क्राइसिस है बिकॉज देयर बिजनेसेस आर गोन, देयर जॉब्स आर गोन, देयर फाइनेंशियल सिचुएशंस आर टोटली डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स नहीं है मार्केट के अंदर, स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, जंग है, रेट्स आप देख रहे हैं मीडिया पर, फसादात, लड़ाई झगड़े, नस्ली फसादात, खाना जंगियां, एवरीवेयर देयर इज केओस।
पूरे तरह से अफरा तफरी अपतरी है, डिसऑर्डर है वर्ल्ड। बट लेट मी टेल यू, चर्च किंगडम ऑफ गॉड के अंदर ऐसा कुछ नहीं। किंगडम ऑफ गॉड के अंदर ये इवेंट्स आपके ग्रेटनेस को आपके अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सपोज करने के लिए भेजे जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं आपकी जिंदगी को। बाइबल मुकद्दस पूरी पढ़ के देख लीजिए, हर ऐसे इवेंट्स जो बाइबल में उठे हैं, आप पहले नहीं है जो इनमें से गुजर रहे हैं, वो बाएं पहले भी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस काल के हद पहले भी थे, लेकिन उन लोगों को देखिए वहां से वो ग्रेटनेस के साथ ऊपर। मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको आगे लेकर चलूंगा आज, सो डोंट मिस इट। अगर आप कलाम को सुनना शुरू कर चुके हैं, योर लाइफ विल बी नेवर बी द सेम, योर लाइफ विल बी टोटली चेंज, योर माइंड सेट विल बी टोटली चेंज। क्योंकि कलाम लिखा है, अक्ल नहीं हो जाने के साथ अपनी सूरत बदलते जाओ। वेन देर इज नो न्यू अक्ल, किसी एरिया में आप बहुत मास्टर हो सकते हैं, बट किसी एरिया में शायद आपको नई अक्ल करने की जरूरत। मैं चाहूंगा कि कलाम में फिर बने रहिएगा, डोंट लीव इट, जब तक कि मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। ये कलाम जब आता है तो आई रिस्पेक्ट दैट वर्ड लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, क्योंकि कलाम मुजस्सम होकर हमारे पास आया। तो मैं बात कर रहा हूं, ये जो इवेंट्स हैं जिनको दुनिया क्राइसिस का नाम देती है, ये वो रास्ते हैं अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के, या मैं कहूंगा कि ये वो गेटवेज हैं जो अपॉर्चुनिटीज में आपको उतार देंगे, खड़ा कर देंगे, जो खुदा की तरफ से, वो जो बादशाही के किंगडम ऑफ गॉड के अंदर। सो जब पूरी दुनिया रुकी हुई है, वर्ल्ड पॉज है, पूरी पॉज आ गया हुआ वर्ल्ड, लेकिन पोजीशन कीजिए, अपने आप को पोजीशन कीजिए। जब कैच आ रहा होता है ना ऊपर, खेलते क्रिकेट तो कैच आ रहा हो, या फुटबॉल भी खेल रहे हो, तो जब पास आ रहा हो तो आप पोजीशन मेंटेन करते हैं, और अगर आप पोजीशन पर नहीं होंगे, यू विल मिस, यू विल द पास विल बी मिस्ड बाय यू एंड यू विल ड्रॉप द कैच। रग्बी खेलें, हॉकी खेलें, पास आ रहा है, यू विल मिस। और अपने आप को पोजीशन करना होता है। इवेंट्स आर देयर, इन्हीं इवेंट्स, इसी तरह के इवेंट्स में से लोगों ने ग्रेटनेस को लिया है अपनी बाइबल मुकद्दस में। मैं आपको बाइबल से साबित करूंगा, आप हवाला जाते, और आप भी उन्हीं में से एक होंगे। इस सर्मन को सुनने के बाद यू विल बी द वन कमिंग आउट ऑफ दीज इवेंट्स विद ग्रेटनेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इफ यू रिसीव इट, से आमेन, आमेन। टॉक अबाउट जीसस क्राइसिस, जो दुनिया के लिए क्राइसिस है, ये अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए, आपके लिए, बिलीवर्स के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए। ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये गेटवेज हैं फेमस होने के लिए। आप फेमस हो सकते हैं, आप मसीह की स्लीप को देख लें, बताइए क्या ये क्राइसिस नहीं है दुनिया के लिए? दुनिया तो कह रही थी लानती मौत, बहुत ही प्यारी मौत आई, बट वो फेमस हो गया। उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। इसके बाद क्योंकि उसने वो मौत जो स्लीपी मौत ही गवारा की, इसके बाद परे का जलाल, जो स्लीप के परे का जलाल, वो उसे मिला जो इधर नहीं था। हाँ, तो फॉलो इट। डैनियल को देख ली, दानियल शेरों की मांद को देख ली। क्राइसिस है दुनिया की नजर में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें से फेमस होकर निकलेगा, ना सिर्फ वो बल्कि उसका खुदा भी। उसकी वजह से वो ग्रेटनेस उसकी बाहर आई है। और तो मैं चाहूंगा कि आप बाइबल में नजर दौड़ाते चले जाए। मेरे साथ निकालिए वाज की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 11वीं आयत। मैं चाहूंगा पास्टर जुनेद आप इसको रीड करें, वाज की किताब 9वां बाब, उसकी 11वीं आयत। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 11। पास्टर जुनेद, आर यू देयर? 9वें बाब की 11वीं आयत। खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे वाइज की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत। फिर मैंने तवज्जो की, देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, ना जोरावर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अकलमंदों को, और ना इज्जत अहले खिर्द को, बल्कि उसके लिए वक्त और हादसा है। आमीन। 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 खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, बाइसे बरकत हो। तो चेक इट, उस दौर का वाइज किंग क्या लिखता है,
वो लिखता है, अगर आपने गौर किया पास्टर जुनेद, अब आप वन बाय वन डिवाइड करके पोर्शंस में पढ़िएगा। फिर मैंने तवज्जो की हाँ, और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है। तो सुनिए, मैं और आप यही सोचते हैं जरा दौड़ जित बहुत तेज दौड़ता हो जित, पर सुलेमान कहता मैंने मेडिटेट किया इस बात पर, मैंने तवज्जो किया, मैंने बड़ा ध्यान दिया इस बात। वो कहता ऐसा नहीं है, तेज दौड़ने वाला नहीं सबकत लेता। आगे जी पास आगे, ना जंग में जोरावर को फतहा। ले जी, हम ये सुनते आए हैं कि जेड़ा बहुता जोर च हुंदा है, जेड़ी सुपर पावर हुंदी है, उनू पक्की फतह हुंदी है, ऐसा भी नहीं है। आगे जी, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है। जी को कहने ना बड़ा अकलमंद है, इनू पैसा कमाउणा हुंदा है। मैं अपनी फैमिली च सुनना, मेरे ननियाल दे विच साडे एक मामू होए ने हुण खुदा कोल ने, ते जवान सन ते आंदे सन के वह बड़ा दानिशमंद सी, वह जवानी दे विच ही अपनी बीमारी दे विच ही वह पैसे कमा लैंदा हुंदा सी। तो इतने वह सुलेमान आता है कि नहीं, इंज की गल नहीं, पैसा भी किसी बंदे नूं होर नूं मिलता है, गल दसनी है कि एक्चुअली गल की। अगे चलो जी पासा, ना दौलत अकलमंदों को और ना पहले खिरद को। तो तुसी वे चाहे समझ दो, वो घर बैठे यार एप्पल का जो ओनर सी वो की सी ना, स्टीव स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स बड़ा कोई अकलमंद बंदा होना यार, इन्हें बड़ी अकलमंदी के नाल पैसा कमाया। बिल गेट्स में देखो यार, विंडो बनाई बड़ी बड़ी अकलमंदी दे नाल छाया यार पूरी दुनिया दे विच, ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस कुछ बता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस जो कुछ बता रही है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आगे चलें पास साहब, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। उन सब के लिए वक्त और हादसा, अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं इसका और फिर ग्रीक पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी कि इन सबों को जो दौड़ में दौड़कर जीत जाते हैं, जो पैसा कमा लेते हैं, जो रोटी कमा लेते हैं बना लेते हैं, इन सबों को दो चीजें आपकी तरह ही की मिलती। कोई भी शख्स चाहे वो दौड़ में तेज दौड़ने वाला है, वो नहीं जीत सकता रेस जब तक कि वो अपने टाइम को और अपने चांस को अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर। कोई भी शख्स, आपने कछुए की और खरगोश की तो कहानी सुनी हुई है, वहां पर खरगोश ने अपना टाइम और अपना चांस जो था वो मिस किया, हालांकि सबकत उसे ले जानी चाहिए। दिस इज हैपनिंग विद द चर्च, विद द पीपल ऑफ गॉड, they are missing their time and they are missing their opportunities, they are missing their chance. इन सब का जिनका ऊपर आपने जिक्र पढ़ा है, सुलेमान कहता मैंने बड़ी मेडिटेशन किया, मैंने तवज्जा करके ये एनालिसिस किया कि ये जीतते पता कैसे हैं, ये जीतते हैं कि दूसरा उससे बंदे उस बंदे को चांस दे देता, अपना दूसरा उसे टाइम दे देता कि तू मेरे तो आगे निकल, तू मेरे तो आगे निकल जा, जब आप नहीं आते तो फिर किसी ने तो आगे आने। मैं किसी खादम के साथ बात कर रहा हूं इस वक्त, अगर आप मिनिस्ट्री में नहीं उतरेंगे, आप इसी चक्कर में रहेंगे कि खुदावन मैनू उतर के तू दसेंगा, मैनू उतर के तू आके कहेगा कमरे जे ते फिर मैं करनी है। लेट मी टेल यू, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर कोई और आ जाएगा, और वो जो और कोई होगा वो खुदा की तरफ से शायद ना हो, और वो आपकी जगह पर आकर क्या करेगा आप इस बात से का अंदाजा नहीं लगा सकते। व्हेन यू मिस द टाइम, व्हेन यू मिस योर चांस एंड अपॉर्चुनिटी, आप अपनी बरकतों को, अपनी रोटी को, अपने पैसे, अपनी दौलत को, सब कुछ को खिर्द की वजह से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ माइट, नॉट बिकॉज ऑफ पावर, नॉट बिकॉज ऑफ विजडम। पीपल गेट देयर टाइम, वो अपना वक्त नहीं हासिल जाने देते, वो अपनी अपॉर्चुनिटी और अपना चांस हासिल नहीं जाने देते। इन सबों को जिनकी हमने लिस्ट पढ़ी है, इन सबों को आप ही की तरह चांस और टाइम दिया जाता है। मुझे भी मिले हैं, मैंने कई मिस किए हैं अपॉर्चुनिटीज, कई मैंने टाइम मिस किए। बताता चलो, अगर आपको डिसीजन राइट भी ले लेते हैं और टाइम रॉन्ग हो जाता है, उस राइट डिसीजन का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर टाइम राइट है और रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर प्लेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप किस जगह पर हैं। अगर आप राइट टाइम पर रॉन्ग प्लेस पर हैं
आप मारे जाएंगे। अगर आप राइट टाइम पर राइट प्लेस पर हैं, आपको बेनिफिट होगा। तो टाइम, प्लेस और पर्सन, ये तीन आपकी लाइफ में अहमियत के हामिल। आपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें, क्या वो राइट हैं या रॉन्ग है। अगर आप राइट टाइम में मूव कर रहे हैं, मैं मिसाल ले लेता हूं, शादी की मिसाल ही ले लेते हैं, चलें आपका टाइम आ गया शादी का, आप ठीक जगह पर हैं, शायद आप उसी जगह पर हैं जहां पर उस लड़की को भी होना चाहिए, आप एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन शायद वो पर्सन ठीक नहीं है जिसको आप देख रहे हैं। तो टाइम भी ठीक है, प्लेस भी ठीक है, लेकिन वो पर्सन ठीक नहीं, आप रॉन्ग कनेक्शन में जुड़ जाएंगे। मिसाल ले लेते हैं, पर्सन ठीक है, टाइम भी ठीक है, पर्सन भी ठीक है, प्लेस ठीक नहीं है। प्लेस ठीक नहीं है, आप अंदाजा करेंगे कहां प्लेस। मिसाल के तौर पर प्री मैरिटल जो रिलेशनशिप होता है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप, टाइम भी आ गया शादी का ठीक है, पर्सन भी ठीक है ठीक है, बट आप रॉन्ग प्लेस पर, यानी शादी के टेरिटरी से बाहर, उस बाउंड्री से बाहर अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठे। मैं फिर आऊंगा, मैं अहमियत बता रहा हूं टाइम की, पर्सन की और प्लेसेस की आपकी लाइफ के अंदर। तो जब दुनिया में इस वक्त क्राइसिस हैं, वर्ल्ड पॉज हो चुकी है, सिस्टम सारे शट डाउन हैं, मैं और आप ग्रेटनेस के लिए रेडी रहें, पोजीशन कर। हमने देखा कि ना दौड़ में दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला सबकत लेता है, ना ही बड़ी हिकमत वाला रोटी कमाता है, दौलतमंद होता है, नो ऐसा नहीं। हम सबों को टाइम और अपॉर्चुनिटी खुदा ने दे दी हुई। लोग घरों में बैठकर बिजनेसेस कर रहे हैं ऑनलाइन, व्हाई कांट द चर्च, व्हाई कांट द पीपल ऑफ गॉड, क्यों नहीं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। और किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, तो मैं आपको बता दूं कि इवेंट तो ऑलरेडी ऑन है और इसके अंदर लोगों ने भर जाना है, बिजनेस कर जाने, ऑनलाइन बिजनेस चले नहीं है। पाकिस्तान की खबरों को पढ़े, अरबों डॉलर का 3 दिन में बिजनेस हो गया, ऑनलाइन ही हो गया, डिलीवरी चल रही है, आप देख लीजिए, आप आज ऑनलाइन डिलीवरी करवाएं तो आपके घर में आ जाएगी। लोगों ने फूड पांडा बना के बिजनेस कमा लिया, लोगों ने उबर क्रीम चला के, कैसे किसी की गड्डी कोई बंदा चलाउन डे उसको एक पैनल पे लेके, विजडम ऑपरेट, और टाइम और अपॉर्चुनिटी को उसने गेन कर लिया। उसने कहा हाँ अपॉर्चुनिटी है, अभी लोगों को चाहिए गाड़ी डोर के ऊपर, लोग बाहर नहीं खड़े होना चाहते, रोड वेट नहीं करना चाहते, हाथ से इशारा नहीं करना चाहते, मैं कार पहुंचाना, दे पुट देयर माइंड, उन्होंने टाइम का, लोगों की जरूरत का अंदाजा लगा के उन्होंने तो प्रोवाइड कर दिया। एजुकेशन है, स्किल्स हैं, ऑनलाइन दी जा रही, लोग घर बैठे टीच कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। मैं और आप बिजनेस नौकरी काट देता जी, तो नौकरियों काट देता है, तो थिंक अबाउट आप इस क्राइसिस में से कुछ कर लें। मैं जॉबलेस था एक पूरा साल, 365 दिन मैंने खुदा की नाफरमानी की थी, 2009 की बात बता रहा हूँ, 8-9 पूरा साल 365 दिन खुदा ने मुझे सजा के तौर पर जॉब नहीं, फिर 40 मैंने सीवियां दी, 22 मेरे इंटरव्यू हुए, मुझे नौकरी नहीं थी, पर उस दौरानी में मेरी ग्रेटनेस बाहर आई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुदा के साथ बहुत रिलेशन में गहरा था, मेरी ग्रेटनेस एक्सपोज हुई, मैं फेमस हो गया यूहन्नाबाद के अंदर एज ए मैन ऑफ गॉड, एवेंजेलिस्ट के तौर पर लोग मुझे बुलाना शुरू हो गए। और जॉब लेस होने के बावजूद जब साल पूरा खत्म हुआ, सारे घर के अखराजात चला के फिर भी मेरे अकाउंट में 2009 में जॉबलेस बंदा 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में बैलेंस। थिंक अबाउट इट, आप क्राइसिस, जो दुनिया के लिए क्राइसिस है, आप उसमें ग्रेटेस्ट बन के बाहर आ सकते, फेमस होकर बाहर आ सकते। लेट मी गो डीपर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड नाउ, आगे बढ़े मेरे साथ, इसके पीछे देखें, रिस्क के पीछे देखें और अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखें, रिस्क पर नजर रखें, बियॉन्ड रिस्क देखें, इसके ऊपर ना रिस्क देखते रहेंगे तो फिर तुसी तरेज, ऐसा नहीं होता। आपके पास हाल ही कोई नहीं, जब मूसा बीच में ले आया है, पीछे फिरौन आ गया, आगे दरिया आ गया, आगे समुंदर आ गया, उन दसों पे किधर, रिस्क टेकिंग थी, उन्होंने रिस्क लिया, खुदा साथ खड़ा हो गया। और बाइबल बताती है कि एक दफा तो हिले थे वो, लेकिन हिल के हूं उठे, हूं बेची मर जाइए, कि फिरौन तू मार दे सानू, तो इससे अच्छा है कि उसके हाथों से मरे, इस वायरस के हाथों से मर जाए, भूखे मर जाए, जॉबलेस मर जाए, बिजनेस आपका ना हो इससे मर जाए, कुछ ना कुछ करते। सोचें, थोड़ा सा जहन घुमाएं,
टाइम आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके इर्द गिर्द होती है। ऐसा थोड़ी है लिखा कलाम में, फिर खुदा झूठा नहीं है। मैं आपको बता दूं कलाम में लिखा है ज़बूर 111 में, रोजी पांदे भुखे ना रहंदे आस जिन्हां नूं ना। अगर आप खुदा के फॉलोअर्स हैं, अगर आप सादक का था, मैंने बच्चों को मुताज नहीं देखा, मैंने शेर बबर के बच्चे भुखे देखे। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कहीं टाइम है, आप इर्द गिर्द ही अपॉर्चुनिटी है, उसको कैच कर लें, पोजिशन पकड़े और उसमें इंटर हो जाए। अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करें कि वो आपको लोकेट करें, वो आपको ढूंढती फिरें। आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें, उठें, आप इर्द गिर्द ढूंढें, देखें तो सही आपके इर्द गिर्द बड़ा कुछ लोगों को चाहिए। आप किसी ना किसी मसले का हल होते हैं, खुदा ने आपको कूड़ा करकट थोड़ी बनाया। यू आर द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, आप किसी के मसले का हल है। थिंक द गिफ्ट इन यू, वो गिफ्ट आपको बादशाहों तक ले जा सकते। इट कैन ओपन डोर्स टू द हेवंस। तो आगे बढ़े मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, इफ यू आर वॉचिंग मी, योर टाइम इज दिस, योर अपॉर्चुनिटी इज क्लोज टू यू, कैच इट, इसको ले लीजिए। इसमें आप ग्रेटनेस दिखाएं अपनी, इसमें आप फेमस होकर बाहर आए। आप स्ट्रगल मत करें। मैं वापस आता हूं, हमें टाइम मेरा ओवर हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसी गॉस्पल जो आप सुना रहे हैं, जिससे आप तकलीफ में ही हैं, आप प्रॉब्लम में ही हैं, और आप सोच रहे हैं कि दूसरों को बेनिफिट हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा, आप यूटिलाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा गॉस्पल सेल करना शुरू कर दो। लिखा है कलाम सुनाने वाला जो है उसको हर अच्छी चीज़ में, गलतियों के खात्मे लिखा है, सुनने वाले हर अच्छी चीज़ में शामिल करें। ये लोगों को टीच करने की ज़रूरत है। समटाइम लोग मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को, समटाइम्स लोग, मैं पिछले दिनों एक घर को शुक्रगुजारी, उन्होंने घर खरीदा और बड़ा महंगा घर खरीदा, और शुक्रगुजारी के लिए बुलाया, मुझे स्पेशल बुलाया फ़ोन करके। मैं किसी लालच की घर से नहीं जाता, उन्होंने बड़े फ़ोन किए तो मैं गया, और बाइबल में लिखा कि तू हर खेत में से मजदूरी की तवक्कु रखता है, मैं नहीं रखता, खुदा ने कंप्लेन की थी। तो मैं सम टाइम आई गिव, मैं जब जाता हूँ तो मैं ज़रूरतमंदों को दे कर आता हूँ, लेकिन खुदा के रूह की हदायत से चलना पड़ता है। हम देने पर एक लेक्चर कर चुके हैं, बड़ा अच्छा लेक्चर हमने किया था पास्टर जनेद के साथ ही मिलकर, तीन पैनलिस्ट के साथ मिलकर। तो मैं गया वहाँ पर, सम टाइम लोगों को देने का रेवलेशन नहीं होता, लोगों को सिखाना पड़ता है। और जब बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव घर उन्होंने खरीदा, तो बड़े खुश थे, बड़े शादमान। तो जब उन्होंने ऑफरिंग दी तो मैंने ऑफरिंग को ब्लेस किया, मैंने कहा नहीं प्लीज टेक इट, मैंने ले लिया, मैंने ब्लेस कर दिया, खुदा के जोर मकबूल हो गया। उन्होंने फोर्स किया, नहीं नहीं आपकी, हमने आपके लिए रख छोड़ी थी, हमने आपको देनी देनी। मैंने वो ले ली, और जब मैंने ले ली तो मैंने, मेरे साथ जो थे मुझे बाइक पर, जो जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, मेरे स्पिरिचुअल साथ, मैंने कहा आप रोको तो मैं आप पेट्रोल डलवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं डलवाना। खैर हम आगे आ गए, एक जगह हम रुके, तो मैंने वो पॉकेट से पैसे निकाले। तो आप हैरान रह जाएंगे के मिलियंस में वो घर हो और आलीशान वो बंगला हो, और जब वो मैंने हदिया वो पॉकेट से निकाला, हालांकि मेरे बटुए में भी था, मैंने कहा चलो पॉकेट में है तो वहीं से निकाल लेते हैं। मैंने जब निकाला तो कैन यू इमेजिन कितने थे, 200 रुपया था वो, और मिलियंस की वो शुक्रगुजारी कर रहे थे। पीपल डोंट हैव द रेवलेशन टू गिव। सम टाइम लोगों को सिखाना पड़ता है, उनके पास्टर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो दे आर नॉट गुड गिवर, उन्होंने देना नहीं सिखाया होता, ना वो उनको देना आता है ना वो देते। So, मैं वापस इस बात की तरफ आ जाता हूं कि जब आप लोगों को बताएंगे, अगर इफ यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह मत बांधा जाए। कलाम में लिखा हुआ है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कलाम में लिखा हुआ है कि जो शराब करता वो खुद भी शराब किया जाए। तो दिस इज योर राइट। कलाम में हम लावियों की बात कर चुके हैं, काहिनों की बात कर चुके हैं, तो वो हैकल ही से खाते हैं, दिस इज नॉट अ सिन। तो टीच देम, अगर वो आपको ऑनर करते हैं ठंडे पानी के गिलास से, दे आर ऑनरिंग गॉड। अगर वो आपको ब्लेस करते हैं, दे आर ऑनरिंग गॉड। वो आपको ब्लेस करते हैं, वो खुदा को ब्लेस कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो डोंट स्ट्रगल। अगर आपको खुदा ने अनॉइंट किया हुआ है, मिनिस्टर लोगों की जरूरत पूरी करें, आप लाइट बनकर चमके, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे प्रोवाइड करें, आप ट्यूशन सर्विसेज दे सकते हैं, घरों में जाएं लोगों के, अगर लोग आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि स्कूल्स नहीं, कॉलेजेस नहीं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। अगर आपको स्किल्स हैं आप पढ़ाएं जाकर, तो करना शुरू करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाएं, डू समथिंग। मैं वापस आता हूं,
आपको खुदा ने, जब खुदा ने बाग अदन में आदम और हवा को रखा था तो खुदा ने कहा कि फ्रूटफुल हो जाओ। इस फ्रूटफुल का जो मतलब है ना, वो ये ही नहीं है कि जी तुसी बच्चे पैदा करो, यही नहीं था। फ्रूटफुल से मतलब था कि क्रिएटिव माइंड रहो, प्रोडक्टिव माइंड रहो। मुझे और आपको दिमाग दिया गया क्रिएटिविटी के लिए, प्रोडक्टिवनेस के लिए। हम हमेशा क्रिएटिव रहें, प्रोडक्टिव रहें। यही नहीं हमने साढ़े को पास पास दुआ, नो, नए आइडियाज क्रिएट करें, नए इमेजिनेशन को लेकर आए माइंड में, यार ऐसा मैं बनाऊं तो। अभी मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, उसने एक घर में एक चीज बनाई है, रेसिपी बनाई है, और वो उस रेसिपी को ऐसा उन्होंने खूबसूरत बना लिया है, वो एक हेल्दी इंग्रेडिएंट बन गया है, एक क्या लें स्नैक बन गया है, कि अब उसकी वो प्रिंटिंग के लिए गया है, वो प्रिंटिंग बनाकर वो अब शॉप्स पर डिलीवर करेगा। हालांकि वो अच्छा वो डिजाइनर है कपड़ों का, वो ब्रांड्स में डिजाइनिंग करता है, प्रिंटिंग पर वो ग्रिप है उसकी, वो पाकिस्तान लाहौर के मशहूर है वो, और वो सारे बहन भाई। लेकिन उन्होंने घर में एक ऐसी चीज बनाई है, वो स्नैक के तौर पर इस्तेमाल हो गया। आप भी कुछ ऐसा कर सकते, आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, आप ऐसा कुछ क्रिएट, वेब डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपिंग करके लोगों को दे सकते हैं घर बैठे, बहुत कुछ किया जा सकता है। कोई ऐप बना लें, लोग अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, हम मिनिस्ट्री की ऐप बना लें, जिस पर जैसे जूम है, जूम बंद हो जाता तो कल को क्या करेंगे, व्हाट्सएप बंद हो जाता तो कल को क्या करेंगे, ये बी लाइव से हम फेसबुक पे लाइव हैं, बंद हो जाती कल को क्या करेंगे। हमें अपनी अपनी ऐप भी डेवलप कर लेनी चाहिए, अगर आप डेवलपर, बहुत कुछ किया जा सकता है। सो खुदा ने क्रिएटिव माइंड हमें बनाया था, हम क्रिएटिविटी रखते हैं अपने अंदर। और फिर यह भी कहा था कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनो। ये नहीं कि उत्थे को बना के घर च ही असा वो बना लिया जनाब स्नैक, तो हूँ असं घर से खा के रज के बह गए। नो, उन्होंने कहा यार ये मार्केट में कहीं नहीं है, हम दुनिया फिर के खाए हैं तो मार्केट में ऐसी चीज़ नहीं है, तो लेट्स मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अब उन्होंने उसको तख्लीक कर लिया और उसको अब वो बढ़ाने के चक्कर में है कि वो छोटी पैकिंग 5 रुपए की पैकिंग से शुरू होकर बड़ी पैकिंग तक लेकर जाएं, ताकि मल्टीप्लीकेशन होकर साथ और प्रोडक्ट और ज्यादा लोगों तक हाथों में जा सके। कोई देख लें, अपने कमरे में देखें, अगर आप स्विच को देखें, यह स्विच भी किसी सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि बिजली बंद कहीं करनी, ऑन कहीं करनी। पखा देखो, ये भी कभी कोई प्रॉब्लम था तो उसका सोल्यूशन निकला है। अपने इर्द गिर्द सोल्यूशन प्रॉब्लम ढूंढे, फिर उनके सोल्यूशन निकालने शुरू कर। कमरे में कुछ भी देख लें, तकिया देख लें, सोफा जिस पे बैठे हैं देख लें, ये मोबाइल जिस पे आप सुन रहे हैं ये देख लिए, प्रॉब्लम था नोकिया 3310 एक प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन एंड्रॉयड फोन आ गया। आप भी कोई सोल्यूशन बनाना शुरू कर दें, आपको क्रिएटिविटी खुदा ने दी है। जेड़े फेसबुक बन गई, मार्क जुकरबर्ग, एक क्रिएटिविटी सी, मल्टीप्लीकेशन, यूट्यूब उत्थे आ गई, उन्होंने यूट्यूब भी बधा दी, गूगल देख लें, दिस एमेजोन देख लें, ये सारी की सारी अली बाबा वेबसाइट, आप देखें अपने इर्द गिर्द लोगों ने घर बैठे क्या क्या माइंड चलाए, उन्होंने टाइम को और चांस को मिस नहीं। आपके पास भी यकीनन ये ख्याल होंगे, आपके अंदर ही होंगे, पर ये अंदर ही जो विजन्स हैं, अंदर ही ये दो जो थॉट्स हैं, इमेजिनेशन, ये मारी क्यों जाती हैं? क्राइसिस, मैंने शुरू में बोला, ये दुनिया के लिए ये इवेंट्स हैं आपके लिए कि आप जमीन पर फेमस होकर ग्रेटेस्ट निकलें, ग्रेटेस्ट बन के। देखें जरा दाऊद, जाति जुलत कितने दिन से, 40 दिन से ललका रहा था, फजीयत कर रहा था, खुदा की फौजों की, इसराइल बनी इसराइल, कोई बंदा नहीं। क्राइसिस है पूरे पूरे मुल्क च फैली हुई गल, और यार उत्थे एक बंदा होंदा वो इन्ना लम्मा चौड़ा उठ के गल्लां करदा, पुठियां सिद्धियां, सौल लम्मा सी सारे दे विचों, फिर भी नहीं जांदा। किसी बंदे की ग्रेटनेस निकलन वाली सी बात, किसी बंदे ने फेमस होना सी, वह बंदा आ गया, आ गया। वो को एक स्किल सी कि फलाखन चलाने च माहिर सी, तुहाड़े को कि स्किल, जेड़ा भी उठ के तुहानू 40 दिन तो ललकारन डिया, इन्ने दिन तो लॉकडाउन के ललकार तुहानू, उठ के ये मत्थे च मारो, जिहड़ी स्किल तुहाडे है हाथ च, इन यूज कर, फेमस होकर बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम और चांस अवेल करना सी। मैंने हवाला जो बोला है वाज 9वें बाब की 11वीं आयत, वो ये है कि कोई भी दौड़ में तेज दौड़ने की वजह से सबकत नहीं देता, उसको कोई बंदा वक्त देता है तो वो आगे निकल जाता, उसको कोई बंदा अपना चांस देता तो वो आगे निकल जाता। मैं अपने एक बुजुर्ग खादम की मिसाल देता हूँ, हमारे साथ मैंने उनके साथ काफी 10-12 साल मिनिस्ट्री की है। वो बताते कहते हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से रेस दौड़ रहा था और मैं जीत रहा था, मैं लीड कर रहा था, और कहते मेरे जो टीम लीडर्स थे वो बाकी आगे, मेरे टीचर्स कोचेज वो सारे रिसेप्शन पे खड़े थे, यानी उस रिबन के आगे खड़े थे। जब वो रिबन, कहते हैं कि रिबन के बिल्कुल मैं करीब आया और मैंने उसको तोड़कर आगे गुजरना था, तो मेरे टीम लीडर्स ने पहले ही मुझे खुशी से पीछे खींच लिया,
और कोई दूसरा बंदा जो है वो उस रिबन को तोड़ खड़ा के गुजर गया। जब रिप्ले चेक किया गया तो रिप्ले करके उन्होंने देखा कि वो सेकंड पोजीशन पर। तो बता क्या रहा हूं कि इस बंदे ने उस बंदे को टाइम और अपना चांस दिया कि वो जीत, हालांकि जीत ही रहे। तो मैं और आप, हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इस एंगल से भी देखें कि हमें खुदा ने बिजनेस के लिए विजडम दिया। खुदा ने खुद बिजनेस किया, उसने अपना इकलौता बेटा डिपॉजिट किया और उसने बहुत सारे बेटे बेटियां जमीन से ले ली। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसने वहां से हार्वेस्ट ले लिया, अपना प्रॉफिट ले लिया। गॉड इज अ गॉड ऑफ बिजनेस। आप याकूब को देखें, उसने बिजनेस किया कि नहीं किया अपने मामू सुसर के साथ? उसने किया, उन्होंने कहा इंज दियां बकरियां मेरियां, इंज दियां तेरी भेड़ा मेरियां तेरियां। अब वो वाक्य लंबा चौड़ा, उसको हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें आगे बढ़े, देखें आपके पास जो वसाइल है लिमिटेड, उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दो। जो भी लिमिटेड वसाइल है, ना वेट करो कि 10 लाख रुपया कैपिटल होगा तो बिजनेस शुरू होगा। बिजनेस कोई नहीं होता, बिजनेस कैसे शुरू होना, छोटे से छोटे कैपिटल के साथ आप शुरू कर दें, फिर वो बढ़ता चला जाए। आप पार्टनरशिप बना लें, किसी को पार्टनर में बना के अपने बिजनेस में उतार लें। आप अपना टाइम दें, टेक्निकलिटीज दें, अपनी एक्सपर्टीज दें, उससे आप थोड़ा सा कैपिटल ले लें, पैसा ले लें, शुरू कर दें। देखें, बात करें, उसको भी आप कहें कि यार हमारे पास टाइम है भरने के लिए, अपॉर्चुनिटी है भरने, तो आप भरेंगे जरूर। खुदा आपको बरकत दे। खुदा दुनिया को खुद से ब्लेस नहीं कर सकता था, ये याद रखिए, जब तक के कोई मैनेज नहीं करेगा। अगर आप पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब को पढ़ते ना, 5वीं आयत को, वहां लिखा है कि खुदा ने जमीन पर मी नहीं अभी बरसाया था। क्यों नहीं बरसाया था? रीजन लिखी हुई है, क्योंकि जमीन को अभी खोदने वाला, जोतने वाला कोई नहीं था, हल जोतने वाला कोई नहीं। तो खुदा बिला वजह क्यों मी बरसा देता, जब आदम ही नहीं था जो जमीन की खुदाई करता, उसकी गोडी करता, उसकी किसान के तौर पर ऑपरेट करता। सो जब तक आप अच्छे मैनेजर्स नहीं बनेंगे, खुदा बरकत को नहीं भेजते। बी अ गुड मैनेजर, तो फिर खुदा अपना आसमान खोल के आप पर मी बरसाएगा। जब तक आप चाहते हैं, खुदा आप दुआएं कर रहे हैं, बरकत आए, बरकत आए, बरकत आए। बी अ गुड मैनेजर ऑफ द थिंग्स ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास है ऑलरेडी अवेलेबल, और फिर खुदा आसमान खोलकर फिर वो ओस बरसाएगा, वो मी बरसाएगा, फिर आप हल जोते और फिर फसल काट। तो उसने आपको सोल्यूशन बनाकर पैदा किया है, और इस प्रॉब्लम से भागे ना, इस सिनेरियो से भागे ना, इस में भागे, इस में जाकर खड़े हो जाएं और यहां से सोल्यूशन निकाल के, अपॉर्चुनिटी निकाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप और हवाला एक पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं एमसाल की किताब, उसके 24वें बाब की 3री-4वीं आयत, और एमसाल 20वें बाब की 13वीं आयत आप पढ़ सकते हैं, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। और पहले थसलनीकियों की 4वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज और टाइम के रिगार्डिंग है। ख्वाब दोस्त मत बनिए कि बैठ के सोचते रहें। मैं वो ख्वाब नहीं कह रहा जो खुदा दिखाता है, प्रोफेटिक ख्वाब जो होते हैं वो तो खुदा इन टाइम्स पे दिखाएगा, आपको दिखाना चाहता है तो उसने लिखा ना वो आखिरी दिनों में। बट ऐसे कुछ होते हैं जगह दिने बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे ख्याल रूम में दिखा चले गए, पुलूस आता है, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बनो। ऐसे ख्वाब दोस्त मत बने कि बस ख्वाब ही बेंद रहे हो, वरना लिखा वो बात तू कंगाल ही हो जाए, अभी बैठे बैठे मैं जिदा हो जाऊंगा, मैं जेट खरीद लाँगा, मैं हेलीकॉप्टर खरीद लाँ, ऐसे थोड़ी होता। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, कुछ करना शुरू करें तो खुदा बहुत कुछ कंगाल हो जाए। तो रोटी भी नहीं खा सकेंगे, कलाम की इस आयत को पढ़िएगा, रोटी भी नहीं मिलेगी, सेर नहीं हो सके। तो खुदा आपको बरकत दे आज के कलाम के वसीले से, जो मैंने चाहा है कि आप तक मैं पहुंचा दूं, कलाम मुकद्दस में से निकाल के स्ट्रेटजीज को आपको दूँ और आपकी नज़र इन डायमेंशन पर रखूँ जो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आप शायद उसको स्किप कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। खुदा आपको ब्लेस करे पास्टर जनेब, खुदा आपको ब्लेस करे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए जो मुझे आपने प्रोवाइड किया। बहुत शुक्रिया आपका, और खुदा का शुक्र हो जिसने हमें ये लिखकर कलाम दिया। मेरा ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से लोगों को आज बढ़ाने को है। आमीन आमीन पास्टर। मैं कलाम सुनते हुए मुझे एक शख्स जो काफ़ी पॉपुलर है बाइबल में वो याद आया। यही क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से हम देखते हैं कि खुदा ने फिरौन को एक ख्वाब दिया और ख्वाब में उसे क्राइसिस भी बताया। आमीन। जो है वो यूसुफ तक पहुंचा, यूसुफ ने उस ख्वाब की ताबीर की। अब अगर आप गिफ्ट यूज की, जी उसने ताबीर बताई और उस वक्त उसके पास गिफ्ट
ताबीर का था जी, बादशाह यूज किया उसने, कहा कि मुझे तो राइट पर्सन तो ही लगता है राइट क्राइसिस में, अगर आज उन लोगों की तरह होता जो अपने चांस को मिस करते हैं, तो वो कहता जी बादशाह सलामत, मैं ते खादा या खुदा दा खादा, मैं तबीरा करना तबीर कर देती, मैनेजर कोई होर ले गया जी। तो जी 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 उसने उस चांस को यूज किया, उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया, और ना सिर्फ वो उस क्राइसिस से बाहर निकला जिसमें वो खुद था जेल में, बल्कि मिस्र बचा, मिस्र के साथ साथ पूरा बनी इसराइल बचा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम से बहुत ज्यादा बरकत दे। मैं नवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिसाया गॉस्पल मिनिस्ट्रीज के लिए खासतौर से वो लोग आज कुछ स्पेशल एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, जो लोग बीमार हैं, जो लोग इस वक्त मुश्किल में परेशानी में, और जो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जो अभी तक मांग रहे हैं, जो खुद स्ट्रगल नहीं कर रहे, उन सब के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें, फिर हम कलमात बरकात के साथ ही बात क्लोज करेंगे। फादर, वी जॉइन टुगेदर इन फेथ, यीशु के कादर नाम में हम मुत्तफिक होते हैं, एग्रीमेंट में आते हैं, और खुदा सबसे पहले जैसे हमने पहले जब तेरी पाकरू की हजूरी मैनिफेस्ट कर रही थी और अभी भी कर रही है कलाम के वसीला से, जैसे हमने पहले डिक्लेयर किया हीलिंग को, डिलीवरेंसेस को, मेरिकल्स को, टेस्टमनीज को, और खुदा टाइम को, चांस को, अपॉर्चुनिटीज को, मैं एक बार फिर से इन सब प्रेयर रिक्वेस्ट पर जो तेरे बंदा पास्टर जुनेद ने मुझसे शेयर किए हैं, और जो लोग लाइव शेयर करते हैं इस वक्त इस टाइमलाइन पर लिख रहे हैं, मेरी टाइमलाइन पर, MGTV पर लिख रहे हैं, या मज़ाक गॉस्पल चैनल पर लिख रहे हैं, किसी भी तरह से जो व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक से, किसी सोशल मीडिया से हम तक प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंची हैं, हम लाइव को मिलकर डिक्लेयर कर देते हैं इस वक्त यीशु के नाम में, चर्च के अंदर लाइट होना शुरू हो, तारीकी का कंट्रोल असर टूट जाए यीशु के नाम में, हम डिसमेंटल करते हैं अथॉरिटी को डार्कनेस की, ब्रेक करते हैं कनेक्शंस को जो तारीकी ने बांधे हैं, और हम डिलीवर करते हैं लोगों को यीशु के नाम में, हम मिस्र से निकाल कर उन्हें कनान में डिलीवर करते हैं द माइटी मैजेस्टी का यीशु के नाम, बी हील्ड, बी रिस्टोर्ड एंड बी मल्टीप्लाइड, बी फ्रूटफुल एंड बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के कादर नाम में। आपके फाइनेंसेस पर भी बरकत आए, अगर आपके पास कोई ऑफरिंग है, कोई थैंक्स गिविंग है, क्योंकि ये प्रॉपर सर्विस हो रही थी, अगर आप ब्लेस करना चाहते हैं मज़ाया गॉस्पल टीवी को, अगर आप ब्लेस करना चाहते हैं पास्टर जुनेद को, टेक योर ऑफरिंग इन योर हैंड्स, और मैं आपके इस ऑफरिंग को, इस सीड को बरकत देता हूँ, ताकि आपको भर वक्त जो फसल चाहिए वो उगे यीशु के कादर नाम में। आई रिलीज दिस ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम जीसस क्राइस्ट, इनको जो फसल चाहिए, ये बीज वो फसल बन जाए, वो फसल बन जाए, वो फसल बन जाए, अपॉर्चुनिटी की, टाइम की, चांस की, हेल्थ की, हीलिंग की, डिलीवरेंस की, प्रोस्पेरिटी की, मल्टीप्लिकेशन की, वो हार्वेस्ट यीशु के नाम में इस सीड की वजह से अट्रैक्ट हो और इनकी जिंदगियों तक आए, इन द माइटी नेम जीसस क्राइस्ट, इन जीसस माइटी नेम मांगते और बड़े ईमान से पालते, आमीन।